बिटकॉइन का क्विक अपडेट लेकर एक नए वीडियो के साथ में आपका हम स्वागत करते हैं। और आइए जानते हैं कि अभी बिटकॉइन का इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिटकॉइन अभी काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है। अगर हम डेली का चार्ट ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ये काफी अच्छा एक होम स्वीट होम बना के भी दिखाया था। और काफी सारे लोग न्यूज से पैनिक होके घबरा जाते हैं, बस और कुछ नहीं होता है मार्केट में, यही तो होता है, पंप एंड डंप, पंप एंड डंप। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि हमने बताया भी है कि ये अगर ये RSI इस लाइन को क्रॉस कर लेता है, ये येलो लाइन का जो कि 50 का लाइन है, आपको हम और अच्छे से इसको जूम करके दिखाते हैं, आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये देखने से आपको नॉलेज मिलेगी टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, जिससे कि आप भी सीख सकते हैं। आप इसको बारीकी से देखना सीख जाइए, आपको फिर इधर उधर कहीं किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, बस अपना दिमाग लगाओ, एनालिसिस करो, स्टडी करो, न्यूज़ वगैरह को देखो, सोचो समझो, फिर आप भी अपने हिसाब से कुछ ट्रेड करना सीख जाओगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 50 को क्रॉस कर चुका है, मतलब कि ये बहुत ही अच्छा सिग्नल होने वाला है। अभी ये हमने इसको कर दिया 50 पे सेट। अब ये अगर 50 को क्रॉस कर चुका है और वन डे का चार्ट है, और यहीं से आज इसका इम्पोर्टेंट चेंजेस देखने को मिल रहा है, जो कि आज हम अगर देखते हैं तो हर एक मार्केट ग्रीन हो चुका है, और USDT का मार्केट, USDC का मार्केट रेड ग्रीन हो रहा है। उसी तरह से हर एक क्रिप्टो करेंसी में हो ही रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिटकॉइन, इथेरियम, ADA, BNB, सोलाना, डोज, डॉट, यूनी, लिंक, LTC और USD, ये जो क्रिप्टो करेंसी है टॉप 10 के, ये सभी बिटकॉइन पे ही चलते हैं। ये आपको ही पता है, अगर नहीं पता होगा तो आपके लिए नई बात होगी। बाकी अब इन बिटकॉइन का न्यूज भी बहुत अच्छा ही निकल के आ रहा है हर एक जगह से, और इस डिप में अभी काफी ज्यादा बाइंग भी हुई है, बहुत लोगों ने बिटकॉइन को खरीदा है। जैसे कि अभी और न्यूज है, था न्यू रेगुलेशन वुड नॉट मेक बिटकॉइन और एनी क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर एज हैपन्ड इन एल साल्वाडोर विद द अप्रूवल ऑफ द बिटकॉइन लॉ। ये न्यूज आप हिंदी में भी पढ़िए, आप भी समझेंगे, आप भी इसी तरह से ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे जाके कर सकते हैं। नया नियम बिटकॉइन या कोई क्रिप्टो करेंसी कानूनी निविदा नहीं बनाएगा, जैसा कि अल सल्वाडोर बिटकॉइन कानून के अनुमोदन से हुआ था। सेंट्रल बैंक ऑफ इक्वाडोर इस साल क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर सकता है, बिटकॉइन न्यूज। तो अब जो न्यूज निकल के आएगा मार्केट में वो पॉजिटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि हर कोई, ये तो पूरा वर्ल्ड वाइड यही चार्ट दिखता है ना भाई। यहाँ पे जैसे ही ये 50 को क्रॉस किया है तो अब न्यूज पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये जब ये लगभग 50 के आसपास में था, इसको अगर अपन और लंबा कर देते हैं, इधर लंबाई बढ़ा देते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा इधर उधर चलता है थोड़ा बहुत। अपन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए ही अपन ट्रेड करते हैं, है ना, शॉर्ट टर्म वाला नहीं करते हैं। अब देखो दोस्तों, मैं बताने वाला हूं आपको कि यहाँ होने वाला क्या है सिनेरियो, ये बहुत गजब का है और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं आपको। ये जैसे ही 50 के पास आता है तो सिग्नल मिल जाता है कि अब मार्केट अप ले सकता है, ऊपर की ओर उछाल मार सकता है। और ये कितना ऊपर जाएगा तो मैं आपको बता देता हूं कि कितना ऊपर अभी ये एट प्रेजेंट में जा सकता है, 1-2-3 दिन की बात करें तो,
और बाकी तो इसको अभी महीने लगेंगे अच्छा खासा ऑल टाइम हाई दिखाने के लिए। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ये बताया भी था कि ऑल टाइम हाई बनाने के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है, 1-2 महीने का समय लग सकता है। और अगर हम RSI को मंथ के अकॉर्डिंग देखें तो RSI का जो ग्राफ बन रहा है मंथ के अकॉर्डिंग, ये अभी ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे RSI जो ब्लू कलर की लाइन है ये RSI है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 50 से ऊपर ही है अभी भी मंथली चार्ट में है ना। तो आप समझ सकते हैं कि अभी जो मार्केट चल रहा है ये बुलिश मार्केट है, ये बेयरिश मार्केट है करके अभी काफी लोग पैनिक हो गए थे। और क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, और मार्केट में न्यूज भी ऐसा ऐसा चलता है, तो देखिए ये होता है इसलिए ऐसा है। ये अभी लगातार 3 महीने से गिरावट लिया था, तो न्यूज ये गिरावट का एक हिसाब से साथी है कहना चाहिए, एक दूसरे के कारक हैं। मतलब कि जब न्यूज आता है तो मार्केट तो गिरता है। अब गिरता इसलिए है कि लोग सेल कर देते हैं, पैनिक हो जाते हैं, सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे और एक तत्व तो बन के आ जाता है, एक फैक्टर, जो न्यूज ऐसा ऐसा न्यूज आ जाता है जो कि लोगों को बिल्कुल परेशान कर देता है। तो परेशान हो जाने के बाद में लोग सेल करना शुरू कर देते हैं, और सेल करते हैं तो फिर डंप तो होना ही है। बाकी ये जो भी हुआ था गिरावट, ये कोई खास गिरावट नहीं था, ये तो बहुत बड़ा बड़ा गिरावट आप यहाँ पे देख सकते हैं होते रहता है, तो ये तो बहुत छोटा सा गिरावट था। खैर जितना होना था वो हो चुका है, अब ये ऊपर की ओर जाने को रेडी हो रहा है ऐसा यहाँ पे चार्ट में दिख रहा है, जो कि आप यहाँ पे जाके भी देख सकते हैं और इस वीडियो में भी आपको दिख ही रहा है। तो आप ये कंफर्म तभी करेंगे जब आप RSI को देखना सीखेंगे। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ जब ये जो हमने लाइन बनाया है, ये 40-41 के आसपास में ये लाइन है आप देख सकते हैं, और ये जो गिरावट लेने के लिए जो हमने लाइन बनाया था यहाँ पे, ये गिरावट लिया था लगभग 32-33 हजार का, 30 हजार तक का भी गया। उसके बाद ये मार्केट ऊपर की ओर वापस से जाना शुरू कर चुका है। और हम अगर डेली चार्ट में देखें तो जैसा कि हमने ग्राफ बनाया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये थोड़ा इसको जूम कर देते हैं इस तरह से। ये देखिए अभी काफी अच्छा पंप देखने को मिल रहा है, जो कि आज 36,000 डॉलर से, ये आज का ही कैंडल देखिए, डेली का कैंडल। तो फ्रेंड्स RSI क्या करता है, अभी देखिए यहाँ पे ये 50 को क्रॉस कर रहा है। अगर वीकली में भी देखें तो आप 50-60 से लगभग में ये RSI चल रहा है, आप देख सकते हैं 40 से 50 में है। तो अगर ये मंथली का 50-60 के बीच में है तो ये वीकली का भी लगभग उसी में खिंचा जाएगा। अभी आप देखिएगा ये लगभग 1 सप्ताह लगातार बढ़ेगा ये, और ये लगभग ये 50 को यहां अगर टच करता है तब तक कितना दिन हो जाए रहेगा, यहाँ पे आप देखिए 28 फरवरी मार्च आ जाए रहेगा, ठीक है, सॉरी फरवरी, 21 फरवरी 22 फरवरी तक ये उछाल मारेगा। अभी लगातार उछाल मारते मारते ये मार्च पहुंचेगा, उसके बाद मार्च में फिर से, अभी मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं, ठीक है। इसको कर देते हैं अपन पिंक कलर, ठीक। ये अभी अपना उछाल ले सकता है, इस तरह से उछाल लेगा यहां तक ये जाएगा, और जाने के बाद में ये अप्रैल मार्च अप्रैल में फिर से थोड़ा सा गिरावट ले सकेगा, और उसके बाद में फिर ये बूम से उछाल लेगा, जो कि बहुत बड़ा इसका उछाल होगा। और ये RSI की बात करें तो RSI भी इसके साथ साथ इसी तरह से ऐसे जाना भी चाहिए, तब ये ऐसा हो सकता है। नहीं तो मार्केट नीचे की ओर अगर जाता भी है तो नीचे की ओर में बस यही लाइन में सपोर्ट चलेगा, और सपोर्ट चलने के बाद में फ्रेंड्स आपको अप्रैल मई में ये अच्छा खासा पंप दिखा सकता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी, और कुछ न्यूज और भी बच गए हैं उसको भी आपको न्यूज को बता ही देते हैं, जो कि बहुत अच्छा न्यूज है।
सेंट्रल बैंक ऑफ इक्वाडोर इस साल, ये सालवाडोर है, इस साल क्रिप्टो करेंसी को